बुलंदशहर के जहांगीराबाद में सपा के जिलाध्यक्ष ने एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर सपा के प्रचार प्रसार के लिए रवाना करते हुए सपा जिलाध्यक्ष राहुल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा जिलाध्यक्ष ने सपा मिशन 2022 के प्रचार प्रसार के लिए एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बड़े बड़े पोस्टर लगवा कर बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं को नौकरी की बजाय लाठी से पीटने में नंबर वन व 70 लाख नौकरी के बाद ही महिलाओं की असुरक्षा के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सपा नेता अनिल कुमार चौधरी ने कहा, इस बार सपा 350 प्लस सीट जीत पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। चांदोक चौराहे पर सपा जिलाध्यक्ष राहुल यादव का जोरदार स्वागत के बाद विनोद यादव की वर्कशॉप एलईडी वैन को क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए रवाना कर दिया। कार्यक्रम का संचालन शेख रहीस अहमद ने किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर से संजय सैनी की रिपोर्ट। भारतवर्ष में नजर घुमा के देख लीजिए, जो जिस आदमी ने मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करी हो आपको शायद कोई राजनेता मिलेगा, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो शायद ही कोई राजनेता मिलेगा, और जिसने एमटेक की पढ़ाई करने विदेश गए हो ऐसा कोई शायद राजनेता मिलेगा। इंजीनियर बहुत मिल सकते हैं, लेकिन इतना काबिल राजनेता मिलना ना के बराबर मुझे लगता है। आप पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, पूरा देश घुमा लेंगे, भाजपा को आप नीचे से लेकर ऊपर देख लेंगे तक देख लेंगे तो भी कोई इतना काबिल व्यक्ति अगर कोई मिल जाए तो आप मुझे बताना। ऐसे विजनरी नेता, इन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली बार डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, लैपटॉप बांटे और एक से एक योजना है, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, मेरी बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग उसका लाभ उठा चुके हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि क्या क्या चीजों से